बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू कैटल मार्केट कराची एंड असलम एंड मक्का गोड्स एंड कैटल फार्म। भाई आज अगेन काफ़ी दिनों बाद यहाँ पे चक्कर लगाए और रमज़ान का समझ लें कि एंड है। वीडियो आई डोंट नो कब डलती है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ईद के दूसरे दिन तीसरे दिन जो है वो फार्म ओपन है पब्लिकली। आप चाहें तो विज़िट कर सकते हैं और असलम एंड मक्का की जो कलेक्शन है वो देख सकते हैं। आज मैं आपको दिखा रहा हूँ तकरीबन 5-5.5 लाख रुपये से प्राइस रेंज स्टार्ट होगी, मैक्सिमम 14-15 लाख रुपए तक की प्राइस रेंज में। लेकिन इसके अंदर भी जो टॉप नॉच प्रीमियम जानवर है ना, वो शायद मैं आज ना दिखाऊं, क्योंकि उनके अभी टीज़र्स वगैरह, उनका फोटोग्राफी, ये सारी चीज़ें लॉन्च होना भी बाकी हैं। तो वो उस प्रोसीजर से गुजरने के बाद इंशाल्लाह अगले व्लॉग में इंशाल्लाह आपको चीज़ें दिखाएंगे। लेकिन अगर आप ईद के दूसरे तीसरे दिन विज़िट करते हैं या जैसे भी सैटरडे संडे को भी, अब तो फार्म ओपन है और ईद के बाद आई गेस डेली ही फार्म ओपन हो जाएगा, तो आप जो है वो सारी कलेक्शन जो है वो देख सकते हैं। रोक टोक किसी चीज़ की नहीं, अपना शौक पूरा कर सकते हैं। चलें भाई वीडियो एंड तक देखिएगा, पसंद आए लाइक एंड शेयर करिएगा। अच्छे अच्छे जानवर मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको मंडी लगने से पहले ही जो है ना वो सारे दिखा दूँ, अच्छे अच्छे फार्म्स के। तो असलम मक्का की आज कलेक्शन देखते हैं क्या कुछ देखने को मिलता है। बछड़े भी, बछड़ियाँ भी टॉप नॉच। चलें भाई वीडियो एंड तक देखिएगा, पसंद आए लाइक एंड शेयर करिएगा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए कैटल मार्केट कराची को सब्सक्राइब कर लें, थैंक यू सो मच। चलें जी, पहला बछड़ा हाजिर है, माशाल्लाह देखें गुलाबी नाक के अंदर बटरफ्लाई जैसे प्रिंट के अंदर बछड़ा आ रहा है। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा बछड़ा, और इस बछड़े का नाम जो है ना वो रियो रखा है, बिल्कुल रियो बिस्किट की तरह माशाल्लाह, गोल मटोल मुटल्लो फुटबॉल जैसा बछड़ा है माशाल्लाह। सलामी चेक करें बछड़े की, फेस ब्यूटी चेक करें, नाफा झालर चेक करें, ज़रा बछड़े को चलाना शुरू करो। माशाल्लाह भाई माशाल्लाह, अल्लाह पाक नज़र बच से बचाए। बहुत ही बेहतरीन आउट क्लास ब्यूटी है, एक से बढ़कर एक प्रिंट, एक से बढ़कर एक ब्यूटी असलम एंड मक्का कैटल फार्म पर आपको देखने को मिलेगी। भाई आ जाओ भाई आ जाओ, माशाल्लाह 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 माशाल्लाह, क्या बात है भाई, फुल रगड़ दिया बछड़े ने। ठीक है भाई, इसको ले जाओ जल्दी से अगली ब्यूटी के ऊपर मूव करते हैं, जो टाइम शॉर्ट है और काम बहुत है। चलो चलो ले जाओ ले जाओ, इसको ले जाओ माशाल्लाह, रियो बिस्किट को ले जाओ। और जो भी जानवर आपको पसंद आए, आपको मैं मुनीब भाई का नंबर दे दूंगा ऑन स्क्रीन भी, डिस्क्रिप्शन में भी, उनसे आप कांटेक्ट करके उसकी जो डिटेल्स हैं वो सारी मालूम कर सकते हैं। और असलम एंड मक्का जैसे मैंने बताया शौकीनों के लिए खुल चुका है, तो आप जब भी चाहें असलम एंड मक्का विज़िट कर सकते हैं। चलें जी, अगला बछड़ा हाजिर है माशाल्लाह, जेट काला बछड़ा और प्योर चोलिस्तानी के अंदर बछड़ा आ रहा है माशाल्लाह। हर एतबार से ना बछड़ा बहुत बेहतरीन है, हालांकि अभी धूप नहीं हो रही है, धूप ख़त्म हो चुकी है, लेकिन फिर भी आप देखें कि साए में भी बछड़ा कैसा चमक रहा है, अल्लाह पाक नज़र बच से बचाए माशाल्लाह। नाफा झालर सलामी हर एतबार से माशाल्लाह अच्छा बछड़ा है। गर्दन भी मैं आपको थोड़ी सी इसकी चेक कराता हूँ, ज़रा चेक करें इसकी गर्दन, चेक करें बैक वगैरह आप चेक करें, माशाल्लाह हर एतबार से बछड़ा भरपूर बनाव के अंदर आ रहा है। ज़रा चलाना शुरू करो, पीछे लेके जाओ बछड़े को, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक नज़र बच से बचा, माशाल्लाह का कमेंट लाजमी करिएगा। एक से बढ़कर एक ब्यूटी असलम एंड मक्का के ऊपर जो है ना, आपको हर चीज़ सिलेक्टेड मिलेगी, किसी भी चीज़ के अंदर ना वो कॉम्प्रोमाइजिंग चीज़ नहीं मिलेगी। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, थोड़ा इस तरफ लेकर आओ बछड़ा, थोड़ा इधर लेकर आओ, माशाल्लाह माशाल्लाह, चाल चेक करें बछड़े की, अल्लाह पाक नज़र बच से बचा। मैंने बोला साइड पोज में भी एक आपको थोड़ी सी इसकी चाल दिखा दूँ, माशाल्लाह माशाल्लाह, देखो धूप में गया तो कैसा चमक रहा है, माशाल्लाह माशाल्लाह। ठीक है भैया, ले जाओ इस बछड़े को भी, अब नेक्स्ट जानवर पे मूव करते हैं, क्योंकि बहुत सारे मैंने आज आपको जानवर दिखाने हैं, एक से बढ़कर एक ब्यूटीज़ बछड़े भी और बछड़ियाँ भी। ठीक है भाई, अगले बछड़े के ऊपर आते हैं। चलें जी, नेक्स्ट ब्यूटी हाजिर है माशाल्लाह, अल्लाह पाक नज़र बच से बचाए। बहुत ही खूबसूरत और यूनिक प्रिंट के अंदर है बछड़ा, गुलाबी नाक और कजली आँखें आ रही हैं और टेक्सचर्ड प्रिंट है। बाकी मैं आपको एक मतलब फुल फ्रेम में दिखाता हूँ बछड़ा, थोड़ा सा शपाटर बछड़ा है, थोड़ा सा जो है ना वो एक्टिव बछड़ा है। ज़रा इसको चला के इसकी चाल वाल देखते हैं, ज़रा चलाना शुरू करो बछड़े को, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक नज़र बच से बचा। ज़रा पीछे से भी बछड़े का प्रिंट चेक कर लें आप माशाल्लाह, और हर चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जहाँ पे बनाव के एतबार से और ब्यूटी के हिसाब से वो हर चीज़ जो है ना आपको A1 मिलेगी, हर पॉइंट के अंदर जानवर जो है ना वो माशाल्लाह पूरा मिलेगा। काले कान, कचली आँखें, कितना खूबसूरत लग रहा है। थोड़ा सा साइड पोज में भी चाल इसकी दिखा दो, फ्रंट से आ गई है, ज़रा साइड से भी एक थोड़ी सी इसकी चाल आ जाए, माशाल्लाह माशाल्लाह। वापस ले आओ, वापस ले आओ, माशाल्लाह 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 माशाल्लाह, लेकर आए लेकर आए, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। ठीक है भैया, ले जाइए इसको और अगला बछड़ा लेकर आइए, माशाल्लाह। चलें जी, अब मैं भूरी बछड़ी जो है ना, इसका नाम भी भूरी रखा था मैंने, आप लोगों को याद होगा, और ये बछड़ी मैंने आपको याद होगा तकरीबन आज से 4-5 महीने पहले गालिबन दिखाई थी,
असलम मक्का का इस साल का मैंने स्टार्टिंग व्लॉग बनाया था पलाई सर्विस का, तो तब भी आप लोगों ने देखी थी और अभी भी आप लोग बछड़ी देख रहे हैं माशाल्लाह। बछड़ी की जो पलाई में फ़र्क आया है वो आपके सामने है, अल्लाह पाक नज़रे बच से बचाए। देखें मैं फुल फ्रेम में भी आपको बछड़ी एक मरतबा दिखा दूँ। माशाल्लाह बेल चेक करें बछड़ी की, इसकी झालर चेक करें माशाल्लाह, इसके सीने की बॉल चेक करें, गर्दन भी माशाल्लाह काफ़ी अच्छी हो गई, छोटा सा चेहरा और बिल्कुल गोल्डन ब्राउन बछड़ी है, अल्लाह पाक नज़रे बच से बचाए। देखें जितने भी मैं चीज़ें निकलवा रहा हूँ ना वो एक से बढ़कर एक हुसन के अंदर है, हर चीज़ आपको दिल पर लगेगी जो भी चीज़ मैं निकलवा रहा हूँ माशाल्लाह। ठीक है भाई, ज़रा इसको चलाना शुरू करो, बछड़ी को चलाना शुरू करना यूब ज़रा बछड़ी। माशाल्लाह बैक भी देखें, हर एतवार से माशाल्लाह बछड़ी बराबर आ रही है और अभी तो तकरीबन दो ढाई तीन महीने हैं अभी भी बकरीद के अंदर, तो अभी और खुलेगी बछड़ी। अभी दही तेल वगैरह इनका स्टार्ट हो चुका है, घी का रिज़ल्ट आपके सामने आ रहे हैं सर्दियों के, जो घी के रिज़ल्ट माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक नज़र बच से बचाए। बहुत ही बेहतरीन भाई, बहुत ही बेहतरीन। चलाओ चलाओ माशाल्लाह, एक ज़रा साइड की चाल भी मैं आपको दिखा दूँ बछड़ी की। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, ले आओ मोड़ के वापस ले आओ। माशाल्लाह माशाल्लाह भाई माशाल्लाह, क्या बात है। प्रोडक्ट्स का इंजेक्शन लगा है इसको, अभी अभी वैक्सीन हुई है इसकी जो है ना जिगर की, उसका येलो निशान आपको नज़र आ रहा होगा। हर माल जो है ना यहाँ का वैक्सीनेटेड है, हर किस्म की जो है ना यहाँ पर वैक्सीन हुई हुई है और डॉक्टर नौमान साहब की कंसल्टेंसी होती है, तो उसकी भी जो है वो रिज़ल्ट्स वो आपको सामने नज़र आ रहे हैं माशाल्लाह। ठीक है भैया, भूरी को ले जाओ, जिसको भी पसंद आए मुनीब भाई का नंबर होगा, आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अच्छा दोस्तों, अगली बछड़ी हाजिर है माशाल्लाह, अल्लाह पाक नज़र बच से बचाए। बहुत ही खूबसूरत लाल कान के अंदर सुथरे सफ़ेद रंग के अंदर बछड़ी आ रही है, साफ़ सुथरे रंग में, और हल्का हल्का जो है ना वो ब्राउन छीटा आ रहा है इसके ऊपर, जो कि इसके प्रिंट को इसकी ब्यूटी के अंदर जो है वो चार चांद लगा रहा है माशाल्लाह। अच्छे बनाव के अंदर, अच्छे फ्रेम में, नाफे झालर में अच्छी बछड़ी है और बराबर बछड़ी आगे पीछे से आप देख सकते हैं, और थोड़ा सा जो है ये चंचल बछड़ी है इसलिए जो है वो सीधी खड़ी हो नहीं रही है। वैसे भी पेड़े के ऊपर अभी नया नया पेड़ा बना है, जानवर खड़े होने के आदि हैं नहीं, तो ज़रा चलाना शुरू करो इसको यार। माशाल्लाह माशाल्लाह, मैं थोड़ा आवाज़ ज़ोर से देनी पड़ती है, मैं काफ़ी दूर बैठा हुआ हूँ, कैमरे के ऊपर आज शूट कर रहा हूँ इसलिए काफ़ी दूर बैठना पड़ रहा है मुझे। माशाल्लाह 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 भाई माशाल्लाह। जो भी जानवर आपको पसंद आए मुनीब भाई का नंबर अवेलेबल होगा। जमील मेमन सोसाइटी जो है ना वो असलम एंड मक्का गोट्स एंड कैटल फार्म की जो है वो लोकेशन है, आप चाहें यहाँ पे जब चाहें विज़िट कर सकते हैं। अब तो रमज़ान एंड हो रहा है और ईद के बाद जो है वो फार्म डेली ओपन है, शाम 5 बजे से आप आ सकते हैं फिर रात गए तक। माशाल्लाह देखें, अच्छी वैक्सीनेटेड चंचल बछड़ी है। ठीक है भैया, इस बछड़ी को भी ले जाइए और अगली बछड़ी लेकर आइए, देखते हैं नेक्स्ट आपको हम क्या दिखाते हैं, क्योंकि रोज़ा इफ्तार होने वाला है और टाइम शॉर्ट है, बस जल्दी जल्दी जो है ना थोड़े से जानवर और कवर करेंगे। ले जाओ भैया माशाल्लाह माशाल्लाह। चलें जी, लास्ट बट नॉट लीस्ट, बहुत ही प्यारी बहुत ही खूबसूरत, और इस बछड़ी के साथ मैं बाकायदा खुद आके जो है ना वो बैठा हूँ इसलिए क्योंकि ज़रा इसकी आपको पलत मैं ज़रा सही तरीके से दिखा सकूँ। असलम एंड मक्का गोट्स एंड कैटल फार्म की पलाई ज़रा चेक कर रहे हैं आप, हालांकि फ्रंट से सीना नहीं देख रहे होंगे लेकिन फिर भी आपको एक आइडिया हो रहा होगा। माशाल्लाह बहुत ही भरपूर नस्ल के अंदर, भरपूर बनाव में, भरपूर वजूद में, बहुत ही प्यारी बछड़ी माशाल्लाह। वैसे ये एक जो है ना मैंने इनकी ज़रा टॉप नॉच में से एक चीज़ निकलवाई है, अगले व्लॉग के अंदर इंशाल्लाह बाकी इनके जो नगीन है ना वो आपको मैं इंशाल्लाह दिखाऊंगा। डॉक्टर नौमान साहब की जो है ना यहाँ पे कंसल्टेंसी है, उसका रिज़ल्ट आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। वंस अगेन एक मरतबा फिर से आपको ज़रा इसकी चाल दिखाऊँ मैं माशाल्लाह, अल्लाह पाक नज़र बच से बचाए। इस वजूद के ऊपर ज़रा बछड़ी की आप एक्टिवनेस चेक करें, माशाल्लाह माशाल्लाह क्या बात है जी, क्या बात है, ऑर्गेनिक पलाई नज़र आ रही है माशाल्लाह भाई माशाल्लाह। मैंने बोला ज़रा साइड पोज में भी एक 40 की आपको दिखा देते हैं, क्या बात है जी, क्या ही बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह। ठीक है, असल में टाइम कम है, मेरा इरादा तो था काफ़ी सारे जानवर दिखाने का, लेकिन ये है कि भाई मुनीब भाई ने भी इफ्तारी घर पे करनी है और मैंने भी इफ्तारी घर पर ही करनी है जाके, और जो है ना वो टाइम बहुत थोड़ा रह गया है इसलिए हम लोग निकलेंगे। आप लोग भी जल्दी से वीडियो को लाइक करके, कमेंट करके, चैनल को सब्सक्राइब करके निकलें, अपने अपने घर पर इफ्तारी करें भाई, दुआओं में याद रखें। वीडियो पसंद आई हो लाइक कर देना भाई और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इसी पर वीडियो एंड करेंगे। मुनीब भाई से कांटेक्ट कर लेना, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो सौदा बन जाएगा। ठीक है भाई, अगली वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।